आरसमान शहीद भगत सिंह नगर में विशेष साप्ताहिक सत्संग भजन एवं हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर के प्रधान रंजीत आर्य की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें कृष्ण सूद एवं ऋषि सूद ने परिवार सहित मुख्य यजमान के रूप में पावन यज्ञ वेदी पर उपस्थित होकर आहुतियां डाली। यज्ञ के ब्रह्माचार्य सुरेश शास्त्री ने यज्ञ संपन्न करवाया। माघ मास के अवसर पर विशेष आहुतियों से यज्ञ किया गया। यज्ञ के पश्चात यज्ञ प्रार्थना प्रवीण लखनपाल ने संपन्न की। इस मौके पर भूपेंद्र उपाध्याय, चौधरी हरिचंद, सुरेंद्र खन्ना, अनिल कोहली, वेद प्रकाश भाटिया, अमित शर्मा, सुनीत भाटिया, बैजनाथ, रोहित सूद, दीपक सूद सहित बड़ी संख्या में इलाका निवासी भी मौजूद। जलंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। आर्य समाज शहीद भगत सिंह नगर मंदिर में आज माघ मास के उपलक्ष्य में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। हम सभी ने मिलकर वेद मंत्रों द्वारा, चारों वेदों के मंत्रों द्वारा, आचार्य सुरेश शास्त्री जी के सानिध्य में उन्होंने वेद मंत्रों की आहुतियां डलवाईं। श्री किशनलाल सूद जी का परिवार हमारे बीच में बैठे थे, जो कि आज हमारे आज के मुख्य विशेष यजमान थे। प्रधान श्री रंजीत आर्य जी द्वारा ये जो उन्होंने निश्चय किया था कि हर रविवार एक नया यजमान परिवार हमारे साथ होगा, तो पिछले 5 साल से ये जो प्रक्रिया है लगातार चली आ रही है। आज विशेष करके जो माघ मास में हवन यज्ञ की आहुतियाँ जो तिलों द्वारा होती हैं वो भी करवाई गई। हम जानते हैं कि विशेषकर जो लोहड़ी का मास, लोहड़ी भी अभी हमारे बीच में से पर्व अभी गया है, तो मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी हम जानते हैं कि जैसे ही सूरज उत्तरायण में जाता है और अपना मकर राशि में प्रवेश करता है, तो इसको माघ मास का शुभारम्भ कहते हैं। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में स्त्री आर्य समाज की तरफ से आज जो माघ मास का जो कार्यक्रम गायत्री महायज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए जो स्त्री आर्य समाज है उसकी प्रधाना पूर्ण मेहता जी, उप प्रधाना अनु आर्य जी, प्रवीण लखनपाल जी, अन्य अधिकारीगण जो आर्य स्त्री समाज के, उनके बहुत ही सुंदर व्यवस्था इन्होंने की है। आज ये पूरा एक महीना ये माघ मास की विशेष उतियों के द्वारा, तिल और गुड़ की उतियों के द्वारा ये जो महायज्ञ है ये चलेगा। विशेषकर इसका यज्ञ को संपन्न कराने के लिए हमारे बहुत ही सम्माननीय आचार्य श्रेष्ठ शास्त्री जी पवित्र पावन वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ करवा रहे हैं।